नमस्कार जी, मैं शुभम सांगवान, स्वागत है सबका मेरे चैनल पर। तो भाइयों, आपको याद होगा मैंने कुछ दिन पहले वीडियो डाली थी अपनी एक्सयूवी के अलाइनमेंट के इशू के ऊपर। तो भाइयों, बहुत खुश होकर मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि वो इशू रिजॉल्व हो चुका है फाइनली, मोटे खर्चे के साथ। और देखो, इशू उस दिन अलाइनमेंट वाले भाई ने बता दिया था कि इसके सस्पेंशन में शॉकरों में बेंड है, तो वो चेंज करा लो, हो सकता है इशू रिजॉल्व हो जाए उससे। साथ ही साथ ना अपनी एक्सयूवी का सर्विस का भी टाइम हो रहा था, तो सर्विस इसकी करवा दी, और साथ ही साथ इसके फ्रंट के दोनों मैंने शॉकर चेंज करवा दिए, जो फ्रंट के शॉकर होते हैं। अभी आपको स्टेयरिंग टेढ़ा दिख रहा होगा, अभी अलाइनमेंट जा रखी है इसकी। तो जो फ्रंट के दो शॉकर थे मेरे, मैंने वो चेंज करवा दिए, और अभी देख लो स्टेयरिंग मैंने खाली छोड़ रखा है, कोई पुल नहीं है। जिस तरफ सड़क जा रही है उस तरफ ये गाड़ी जा रही है अपने आप, और मैं आपको सीधे सड़क पे भी दिखाऊंगा कि गाड़ी में अब कोई पुल नहीं रहा। जो चीज़ तंग करती थी ना कि भाई 24 घंटे इसका स्टेयरिंग पकड़ के रखो, वरना गाड़ी अपने हिसाब से चलती रहेगी, जो ऑटोमेटिक एडास वाला फंक्शन इसमें 1500 में ऑन हो रखा था, वो वाली चीज़ इसकी रिजॉल्व हो चुकी है। और जैसे अभी ये रोड सीधी हो गई है, मैंने स्टेयरिंग छोड़ दिया, कोई गाड़ी में पुल नहीं है। एक बार थोड़ी सी सीधी कर लूँ यार। हाँ, सीधी छोड़ दिया, कहीं लेफ्ट राइट कहीं नहीं जा रही, बिल्कुल सीधी चल रही है गाड़ी, कोई परेशानी नहीं कर रही है। अभी मैं छोड़ दिया, सीधी चल रही है, ना इधर जा रही है ना इधर जा रही है। जैसे गाड़ी का मैंने मुंह, जिस तरफ मैंने गाड़ी का मुंह कर रखा है, गाड़ी उसी तरफ जा रही है। और अभी ना इसकी अलाइनमेंट ऐसे हो रखी है, बस स्टेयरिंग जो है वो थोड़ा टेढ़ा हो रखा है, वो अभी अलाइनमेंट मैं करवाने जा रहा हूँ, फिर आपको ढंग से चेक करके दिखा। अब देख लो, कर्व से सीधा हो चुका है, छोड़ दिया, जिस तरफ गाड़ी का मुंह है उसी तरफ जा रही है। लेफ्ट राइट वाली चीज़ इसकी, लेफ्ट राइट वाली हरकत खत्म हो गई है, पुलिंग वाली हरकत खत्म हो गई है, स्टेयरिंग थोड़ा आउट है, मैंने जैसे स्टेयरिंग सीधा करा तो ये थोड़ी राइट में चली गई। अब इसका बस स्टेयरिंग सीधा करवाना है, वो अलाइनमेंट करवाऊंगा तभी हो जाएगा। अभी अलाइनमेंट करवाने ही जा रहा हूँ मैं, और उसके बाद भाई इस गाड़ी में कोई परेशानी नहीं रहेगी। आपको याद होगा टॉप स्पीड पे कितनी बुरी वाइब्रेट कर रही थी, होपफुली, मैंने चेकिंग नहीं करी है, पर होपफुली वो वाला इशू भी इसका रिजॉल्व हो चुका होगा, क्योंकि सस्पेंशन में दिक्कत थी, थोड़ा बैंड वेंड बता रहे थे। वो मैंने आगे के दोनों शॉकर चेंज करवा दिए हैं, और कंपनी से मैंने सर्विस नहीं करवाई, मेरे बाहर का मैकेनिक है, नोन है, बहुत बढ़िया काम करते हैं, वो महिंद्रा में ही काम करते थे पहले, और जो पार्ट्स है वो महिंद्रा के ओरिजिनल लेके, जैसे वो बताते हैं कि ये चीज़ ख़राब है, ये चीज़ चेंज करनी है, महिंद्रा से वो अपना ओरिजिनल पार्ट्स इसके लेके, और उनको पकड़ा देता हूँ, चेंज कर देते हैं, सर्विस कर देते हैं, वॉशिंग में बाहर से करवा लेता हूँ। 50-60% रेट का फ़र्क आ जाता है, मैं अगर कंपनी में करवाऊँ और मैं बाहर करवा रहा हूँ, खर्चे की बात करवाऊँ मैं, अगर यही चीज़ है, यही सर्विस मैं कंपनी में करवाता, मेरा 60-70 हज़ार से नीचे बिल नहीं आता। और मैंने अभी पार्ट्स चेंज करवाए, कई पार्ट्स चेंज करवाए हैं, उनमें मेरा खर्चा है 31 हज़ार रुपये का, और अभी अलाइनमेंट करवाने जा रहा हूँ। और अब गाड़ी इतनी मक्खन चल रही है ना, ये मतलब अब मेरे को रियलाइज़ हो रहा है कि कितनी ज़ोरदार तरीके से सर्विस मांग रही थी ये गाड़ी, आवाज़ें आने लग गई थी आगे पीछे कुछ पुछ, पता नहीं एकदम हालत ख़राब हो रखी थी इसकी ड्रैग रेसिस की वजह से। और अब जैसे गाड़ी 5 साल पहले चलती थी ना, सेम तरीके से चल रही है। अलाइनमेंट करवाने जा रहा हूँ, वहां पहुंच के फिर मैं दिखाता हूँ आपको। तो देखो, लो भाई अब आ चुके हैं हम जहाँ पर अलाइनमेंट करवाते हैं हमेशा, और अलाइनमेंट करवाने के बाद मैं आपको सारी चीज बताता हूँ कि क्या क्या चीज बदली गई है, और कब तक ये चीजें चल पाएंगे मेरे को पता नहीं है, कि देखते हैं। इशू तो रिजॉल्व हो चुका है, स्टेयरिंग की परेशानी रह रही है, वो बस मेरे ख्याल में तो 2 मिनट का काम रहेगा वो।
तो भाई अलाइनमेंट वाला हमने काम करवा दिया है पूरा, और अब चेक करते हैं कि स्टेयरिंग सीधा पकड़ के किधर जा रही है। अब इसकी चाल ठीक हो जानी चाहिए, क्योंकि मैंने आपको दिखा तो दिया था यार अपना हाईवे पे चढ़ा के कि लेफ्ट राइट वाला पुल तो इसका खत्म हो गया है। स्टेयरिंग अगर मैंने फ्री छोड़ रखा था तो स्टेयरिंग थोड़ा ऐसे हो रखा था, जिसकी वजह से मतलब वही है, स्टेयरिंग की थोड़ी प्लेसमेंट टेढ़ी हो रखी थी। गाड़ी तो लेफ्ट राइट में कोई कहीं नहीं भाग रही थी, जो इसकी मेन परेशानी थी। अब स्टेयरिंग भी मैंने सीधा करा दिया है, तो अब चेक करते हैं भाई कहाँ जा रही है, कैसे जा रही है। अब भी कमी रह गई फिर तो भाई कोई इलाज नहीं रहेगा इसका, बाकी मेरे ख्याल में अब तो नहीं रहनी चाहिए, क्योंकि इशू इसका वही था लेफ्ट राइट भागने वाला, वो रिजॉल्व हो चुका है। और वो रिजॉल्व कैसे हुआ, मैंने जो है अपना सर्विस के टाइम इसके फ्रंट के दोनों शॉकर बदलवा दिए। चलो जी बनी बात, मिट्टी परेशानी, स्टेयरिंग सीधा, गाड़ी सीधी, ना कुछ लेफ्ट ना कुछ राइट, भाई फाइनली दिक्कत मिट चुकी है। हाँ ये ब्रेक मारने पे लेफ्ट में थोड़ा झुकाव है स्टेयरिंग का, पर वो सड़क का भी फर्क रह सकता है। अब इसकी ना वाइब्रेशन, अगर आपको याद होगी मैंने टॉप स्पीड चेक करी थी उसमें वाइब्रेशन बहुत जोरदार थी, जो गाना चले ही जा रहा है। मैंने टॉप स्पीड चेक करी थी उसमें इसकी वाइब्रेशन बड़ी जोरदार थी, 150 पे ही इसकी वाइब्रेशन शुरू हो गई थी। तो एक बार फिर वहां पर चलता हूं मैं और देखता हूं वो वाइब्रेशन अब है या नहीं है, क्योंकि अगर वो वाइब्रेशन मिट गई होगी ना और मेरे को रास्ता अगर अब खाली मिल जाए तो ये गाड़ी 200 टच कर जाएगी बहुत प्रेम से। तो एक बार चलते हैं उस वाली रोड पे, हाई स्पीड टेस्ट नहीं करूंगा, टॉप स्पीड टेस्ट नहीं करूंगा, 150 के आसपास जहाँ इसका वाइब्रेशन होता था वहाँ थोड़ी सी एक बार चला के देखूंगा मैं, थोड़ी देर के लिए वाइब्रेशन चेक करूंगा। अगर वाइब्रेशन बना रहा फिर तो कोई और ही परेशानी है, बाकी अब जो परेशानी थी वो लेफ्ट राइट पुल वाली एकदम भाई रिजॉल्व हो चुकी है, इस चीज में मेरे आगे मजे। तो चलते हैं भाई उस वाले हाईवे पे, चलता हूँ एक बार और चेक करते हैं हाई स्पीड में चला के कि अब वाइब्रेशन है या नहीं है। तो चलो भाई अब उस वाले हाईवे पे मैं चढ़ने ही वाला हूँ, और गाड़ी मेरी भी तीसरे गियर पे लगी हुई, तो तीसरे गियर पे एक बार पुल करके, और क्योंकि हनुमान गियर आप लोगों को याद होगा, तीसरे गियर पे एक बार अच्छे से पुल करूँगा, फिर धीरे धीरे बढ़ती रहेगी गाड़ी वाइब्रेशन। मेरे को चेक करें वाइब्रेशन इसकी आती थी 140 के बाद, तो लेट्स चेक भाई अब ना थोड़ा ठीक रहे मामला, खाली मिले ठीक है। ठीक है दिया है। भाई 170 तो टच कर चुका था मैं, और बहुत मिनिमल वाइब्रेशन है अब, जैसे जितनी थोड़े पहले हो रही थी ना, जैसे दुनिया लुट गई हो इसकी, वो वाली चीज़ अब नहीं है इसमें। और देख लो स्टेयरिंग मैंने छोड़ दिया, सीधी चल रही है गाड़ी, स्टेयरिंग सीधा है तो भी सीधी चल रही है, कोई इस चीज़ में इशू नहीं है। इतनी वाइब्रेशन तो होती है यार महिंद्रा में,
उम्र भी तो देखो यार, किलोमीटर भी तो देखो, 2,35,000। और कोई जोर नहीं मांगा इसने 170 टच करने में, रास्ता खाली होता है 180 हो जाती, 190 हो जाती, पर ठीक है, इतनी इतनी ही ठीक है, क्योंकि टॉप स्पीड टेस्ट तो मैं कर नहीं रहा। यही रोड अगर मेरे को खाली मिल जाए ना, मैं इस पे 200 टच करवा सकता हूँ इस गाड़ी को, मैं ही हालत हूँ। और अब वाइब्रेशन रही नहीं इसकी, स्टेयरिंग तो है भाई थोड़ा टेढ़ा अभी भी है, पर ये भागने वाली चीज खत्म हो गई, थोड़ा बहुत सड़क का भी फर्क पड़ता है, देख लो। ठीक है यार, तो भाई देख लिया आप लोगों ने कि मेरा जो इशू था लेफ्ट राइट का पुल वाला, वो रिजॉल्व हो चुका है, और कम्प्लीटली तो शायद ना बोलूं मैं, हाँ वाइब्रेशन जितनी थी 90% वाइब्रेशन खत्म हो गई, थोड़ी बहुत हो तो भाई उम्र के हिसाब से इतनी वाइब्रेशन तो रहेगी, पर वो भी ठीक हो गई है। और कैसे हुई है ये मैं आपको बता देता हूँ, आगे के मेरे दोनों शॉकर चेंज हो गए हैं, जो लेफ्ट राइट, लेफ्ट में ज़्यादा दिक्कत थी, पर राइट वाला भी पुराना हो रखा था, वो भी चेंज करवा दिया, तो जितनी वाइब्रेशन थी गाड़ी में गायब हो गई, 90% वाइब्रेशन गायब हो गई, कुछ ज़्यादा बड़बड़ वाला काम इसका रहा नहीं अब। और देख लो भाई आप लोगों के सामने नतीजा है, वो लेफ्ट राइट पुल वाली चीज़ ख़त्म हो चुकी है और गाड़ी और मक्खन चलने लगी है, सही है यार। 2,35,000 चल चुकी है, 9.5 साल इस गाड़ी को हो चुके हैं, उस हिसाब से बहुत प्यारी चल रही है। तो भाई आप जितने भी एक्सी वाले भाई हैं, देख लो इशू अपना ये पुल वाले इशू में भाई कई चीज़ हो सकती है, हवा की दिक्कत हो सकती है, टायर की, कैम्बर की दिक्कत हो सकती है, शॉकर की तो पता ही चल गई थी, सस्पेंशन में अगर दिक्कत है वो हो सकती है, कई रीज़न होते हैं इसके, तो सारी चीज़ चेक करवाओ, रिजॉल्व करवाओ, उसके बाद भाई हिट एंड ट्रायल मेथड होते हैं सारे, एक चीज़ करी ठीक नहीं हुआ, दूसरी चीज़ करी वो नहीं हुआ, पर ये चीज़ करवानी भाई ज़रूरी थी। खैर यही थी कुछ आज की वीडियो, आशा करता हूँ आपको अच्छी लगी हो, ऐसी वीडियोज़ आप ले लाता रहूँगा, और अपनी एक सीवी को ऐसे ही प्यार दिखाते रहो, हमें भी प्यार दिखाते रहो, और लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, सपोर्ट करो, तब तक के लिए धन्यवाद।